गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसी पे ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पे फाइंड करना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इलास्टिसिटी, समझे, एनसीईआरटी की प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है, स्ट्रेस ऑफ 1 kg, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, मतलब थोड़ा सा ये स्ट्रेस ऑफ 1 kg mm2, यहाँ पे 1 kg वेट होगा, समझ गए, 1 kg वेट होगा, इज अप्लाइड ऑन ए वायर, 1 kg वेट, और 1 kg वेट का भी समझाएंगे। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वायर इज 10 to the power 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपका है 10 to the power 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्ट्रेस जो है आपका 1 kg, यहां पे वेट ऐसे होगा 1 kg जो एम्बिग्यूटी है, 1 kg वेट पे पावर -2 मिलीमीटर पे पावर -2, ये होगा स्ट्रेस। आपको पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ मींस चेंज इन लेंथ बाय लेंथ इन 200, यही होता है परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन लेंथ। देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का 10 to the power 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन किस में है, डाइन किसका होता है यूनिट, फोर्स का, सीजीएस यूनिट, फोर्स का दो यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, ये एसआई यूनिट है, और सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन है, डाइन है। लेकिन यहां और सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, एरिया का सीजीएस यूनिट है, मींस ये किसमें है, सीजीएस यूनिट में, समझे, ठीक है। अब हमें क्या है यहां पे निकालना, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, इसका अगर देखें, अगर आपको पता हो फॉर्मूला, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ई बराबर क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा स्ट्रेस होता है आपका, अगर फॉर्मूला याद होगा तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल, ये होता है ना, हमें क्या निकाल, डेल्टा एल बाय एल इन 200 मीन्स स्ट्रेन, अगर यहां निकाले क्या हो, स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाय एल, स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है आपको, डेल्टा एल बाय एल इन 200, हम यहां से मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा एल बाय एल इन 200 बराबर क्या होगा, स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन 200, ये आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन लेंथ। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है आपका, समझिए हमें ये निकालना है, अब यहां से मैं क्या देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सीजीएस में, स्ट्रेस भी किसमें होता है, सीजीएस में, क्योंकि हम जानते हैं सेम यूनिट में ही डिवाइड करते हैं तब आंसर आएगा, तो ये क्या 1 kg, ये केजी मीटर में, ये तरीके क्या है, केजी वेट मीटर पे पावर -2, इसको कैसे बदलेंगे, तो हमें क्या करना है, 1 kg वेट का मींस है 1 kg को आप सीजीएस में बदलोगे तो 1 kg को क्या बदल कर सकते हो, 1000 ग्राम, और वेट को किससे, वेट करने के लिए क्या करते हैं, जी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जी का सीजीएस यूनिट क्या होता है, जी का वैल्यू होता है 980, समझ गए, 980, इसे जी का वैल्यू आपका एसआई में होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसमें होता है, एसआई यूनिट में, और सीजीएस में क्या, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ये किसी होता है सीजीएस यूनिट में, समझ गए। तो आप इसको बदलोगे क्या हो, 1 kg weight, तो 1 kg weight को अगर सीजीएस में बोलेंगे तो 1 kg weight का मीन्स होता है, 1 kg weight मीन्स होता है आपको, अगर ग्राम देखो 1 kg weight मीन्स 9.8 newton, 1 kg weight का मीन्स होता है 1g, 1 kg weight मीन्स 9.8 newton होता है, ये आपको याद रखना होगा। 1 kg weight क्या होता है आपका, 9.8 newton, कैसे याद रखोगे, 1 kg into g, एट मीन्स ये था जी एम जी, 1 kg, जी का वैल्यू कितना 9.8, 1 into 9.8 newton, समझ गए। तो 9.8 newton पर एमएम स्क्वायर। अब इसको हम किसमें बदल रहे हैं, डाइन में बदल रहे हैं, कैसे बदलेंगे, 1 newton बराबर कितना था 10^5 डाइन, जिससे लिख सकते हैं 9 into 8 into 10^5 डाइन एमएम स्क्वायर। अब लेकिन हमें ये क्या, एमएम स्क्वायर तो है नहीं, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10^-2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 10 mm होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या, 10^-2 mm स्क्वायर। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 mm स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर 10 mm, तो 10 mm का होल स्क्वायर। तो आपको ये यूनिट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 10 mm का 100, 10 mm का स्क्वायर मीन 100 mm स्क्वायर। इसीलिए अगर 1 mm स्क्वायर बोले क्या हो, 1/100 cm² क्या हो, 10^-2 cm². आप यहां पे 1 mm² को क्या करोगे, 1 mm² को क्या बोलोगे, 10^ यहां पे -2 है ना, यहां से ऐसे लिख सकते हैं 9.8 into 10^5 डाइन 1 mm स्क्वायर, यहां से क्या लिख सकते हैं 9.8 into 10^5 डाइन, और ये क्या हुआ 10^-2 cm². ये हो गया, हम इसको क्या लिखते हैं 9.8 into 10^-5 -2 ऊपर जा रहे हैं, और 10^7, 5+2 = 7 dm², समझ गए। तो ये आपका हो गया। अब यहां से क्या निकालना है, हमको डेल्टा एल बाय एल निकालना है ना, तो ठीक है इसको मिटा देते हैं, हमें यही डेल्टा एल बाय एल निकालना है, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 ये निकालना। स्ट्रेस कितना हो गया, 9.8 into 10^7, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है आपकी, आपकी है 10^10 into 100, नहीं होगा ना परसेंटेज। देखो तो ये क्या होगा, 10^7 से 10^3 होगा, यहां से कटोगे तो क्या होगा 10 मीन्स क्या होगा 0.98%। ऑप्शन नंबर 2। देखो फिर से एक बार समझा देता हूं, समझिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें मेन क्या सीखना है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि आपको जो है दिया हुआ ना 1 kg weight per mm^2, क्योंकि स्ट्रेस क्या, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता Newton per meter square, मींस फोर्स बाय एरिया, यहां पे फोर्स देना होगा ना, केजी तो मास है और एमएम भी क्या है, तो आपको ऐसे, इसलिए यहां पे क्या होगा, स्ट्रेस जो आपका है 1 kg weight, समझ गए, mm^2 आपको कन्वर्ट कर, मीन्स क्या 1 kg weight mm^2। हमने आपको बताया कि 1 kg weight को क्या लिख सकते हैं, एस आई में
9.8 न्यूटन। कैसे? 1 kg × g, 1g, समझिए। 1 kg वेट का मीन्स क्या था? 1 × g, समझिए ना। 1g का वैल्यू 9.8, इसलिए 9.8 न्यूटन हो गया। इसी को डाइन में कन्वर्ट करोगे क्या होता? 1 डाइन बराबर 1 न्यूटन बराबर कितना होता? 10^5 डाइन। यहां से 9.8 × 10^5 डाइन ये होगा 1 kg वेट। और 1 mm स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका? 10^-4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से आप लिखोगे, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करोगे क्या होगा? क्योंकि हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसमें दिया? सीजीएस में। तो आप क्या क्या कर सकते हैं? 9.8 × 10^5 / 10^-2 मीन्स क्या होगा? सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 2 होगा, सेंटीमीटर -2। यहां पर होगा 9.8 × 10^7 डाइन पर सेंटीमीटर। और अभी बताइए डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 क्या होगा? स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू 100 पुट कर देना। 9.8 × 10^7 डिवाइड बाय 10^10 इंटू 100 इंटू 100। यहां से करोगे 10^3, यहां से करोगे तो 10.09%। आपको याद, मेन इसमें आपका यूनिट कन्वर्शन है। और याद रखना होगा क्या? 1 kg वेट क्या होता है? 9.8 न्यूटन। और 9.8 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करें क्या होता है? 1 newton/10^5 डाइन। तो 9.8 × 10^5 डाइन। और 1 mm स्क्वायर बराबर क्या होता है? सेंटीमीटर में क्या होता है? 10^-2 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए, इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है। और इसको यहाँ पे गलत दिया, केजी वेट देना होगा, समझिए ना। और यहाँ पे भी -2। थैंक यू।